कोतवाली थाना अंतर्गत ढिकहा मोहल्ले में लकड़ी के टाल में लगी आग, लाखों का हुआ नुकसान। फायर ब्रिगेड ने आग में पाया काबू। सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत बीती रात लकड़ी के टाल में लगभग 2 बजे के आसपास भीषण आग लग गई। इस आग में दुकानदार का लगभग 4 से 5 लाख रुपए का नुकसान हो गया। दुकान के अंदर रखी सेंटरिंग का सामान, तख्त, इमारती लकड़ी, फर्नीचर बनाने की मशीन, खिड़की, दरवाजे पूरी तरीके से जलकर खाक हो गए। इस बात की जानकारी उसके पड़ोसी ने दुकान मालिक को दी। दुकान मालिक तत्काल मौके पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड पुलिस को सूचना दी गई। आग बुझाने का सिलसिला प्रारंभ हुआ। लकड़ी के टाल में लगी थी आग। जब तक आग में काबू पाया जाता, तब तक दुकान के अंदर रखी मशीन, खिड़की, दरवाजे, सेंटरिंग का सामान, जो कि पूरा ही लकड़ी का था, सब कुछ जलकर खत्म हो गया। दुकानदार के अनुसार उसकी दुकान में आग लगने की वजह से उसका 4 से 5 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है। कहा जा सकता है दुकान में लकड़ी जैसे जलने वाली चीज़ें सर्वाधिक थीं, लकड़ी का टाल ही था। दुकानदार का काफ़ी नुकसान हुआ। इस बारे में हमने दुकानदार जयभान सिंह से बात की। उनका साफ तौर से कहना था, हम देर रात दुकान बंद करके गए, जैसे रोज ही जाते हैं, तब बिल्कुल ठीक ठाक था। यहाँ पर लकड़ी खुले में हमेशा से, काफ़ी अरसे से, या यूं कहा जाए कई सालों से रखी जाती है। हर टाल में इसी तरीके से लकड़ी रखी जाती है। हम दुकान बंद करके घर गए, हम लोग सो रहे थे। उसी दौरान हमारे पड़ोसी का फ़ोन बजा। फ़ोन की घंटी सुनकर हम लोग उठे, देखा पड़ोसी का फ़ोन है। तत्काल हमने फ़ोन उठाया। उन्होंने बताया आपके टाल में आग लग गई है। हम लोग भागे भागे अपने टाल पर पहुंचे। हम लोगों ने पुलिस को फ़ोन किया, फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया। फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंची। आग बुझाने का सिलसिला प्रारंभ हुआ। तब तक हमारी दुकान में लगभग 4 से 5 लाख रुपए का नुकसान हो चुका था। दुकानदार जयभान सिंह साफ तौर से कहते हैं, देर रात सब कुछ ठीक ठाक था। उन्होंने रोज की तरह अपने दुकान को बंद किया, अपने घर पहुंचे, खाना पीना खाया, उसके बाद वो सोने चले गए। देर रात पड़ोसी का फ़ोन आया, तब हमको पता चला हमारी दुकान में आग लग गई है। हम आपको बता दें, सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत ढिकहा के पास ये आगजनी की वारदात हुई है। पुलिस ने आग पर फायर ब्रिगेड की मदद से काबू पाया। पूरे मामले को लेकर हमने दुकानदार जयभान सिंह से बात की। आइए आपको सुनाते हैं दुकानदार जयभान सिंह इस आगजनी की घटना को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। क्या नाम है आपका? जयभान सिंह। कौन सा टाल है? जयभान सिंह ट्रेडर्स के नाम से है। कैसे घटना हुई ये? अपने को 2 बजे सूचना मिली कि आपके टाल में आग लग गई है, तो घर से हम आए। हमारे पड़ोस के नाजिर हुसैन खान हैं, वो हमको सूचना दिए और उन्होंने डायल 100 को फ़ोन किए और दमकल वाले को फ़ोन किए। वो आए तो यहाँ पे आग बुझाने का काम शुरू हुआ, साथ साथ दमकल मशीन आई। अपना 4 से 5 लाख का नुकसान हो गया। कितने बजे घटना हुई रात को? ये 2 बजे की रात में। जी, तो आपने प्रशासन को वगैरह सूचना, पुलिस को वगैरह सूचना? वही फ़ोन के हिसाब से दिए हम। ये क्या लकड़ी भी था और मशीन वगैरह भी? हाँ, 2 मशीन है फर्नीचर बनाने की, और दरवाजे हैं, खिड़की है, सेटिंग का सामान है, तखात हैं, और इमारती लकड़ी थी सागौन की, कुछ आम बमूर। कैसे आग लगी क्या कुछ पता चल पा रहा है? नहीं, कुछ पता नहीं चला अपने को। क्या नाम है? जयभान सिंह।